हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं फुल मून पर। ओके, ये जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। ओके, सभी जोडिक साइन के लिए होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जनरल रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी। ओके, फिर हमें रिवाइंड गाइड करके हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं फुल मून के बाद। द हर्मिट, आपके पार्टनर गहरी सोच में है। जस्टिस, ओके, जो भी गलती उन्होंने की है, खासतौर पर उसका एहसास उन्हें हो रहा है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अभी वो चुप रहें, लेकिन आपकी तरफ जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब कोई डेविल एनर्जी है आप लोगों के रिश्ते में। सबसे पहले मेजर काना देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम देखेंगे वाओ, टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, या फिर निकल चुके हैं और आपके साथ रीयूनियन करने का मन बना चुके हैं। तो हम इस कार्ड को यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम कभी भी टेम्परेंस के कार्ड को, शिव जी और माँ पार्वती के कार्ड को हम लोग क्लियरफाई नहीं करते हैं। ओके, स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं। हेलमेट की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ वांड्स। ओके, एक और कार्ड दीजिए। ओ वाह, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। ओके, जस्टिस क्यों आया है प्लीज बताएं। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास सीधा है, दोनों ही हम लेंगे। पेज ऑफ पेंडिकल एंड क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, वाजीबा, बड़े प्यारे से कार्ड हैं। डेविल की एनर्जी है। ओके, डेविल की एनर्जी बॉटम, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप भी और आपके पार्टनर भी। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है भैया, आपके पार्टनर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक नेगेटिव एनर्जी से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। कोई तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सिचुएशन है जिसको लेकर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, उसको लेकर आपके पार्टनर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जिस भी नेगेटिव एनर्जी से आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, नाइट ऑफ वांड्स, वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। बड़ी प्यारी क्यूट सी एनर्जी है। ओके, जस्टिस का कार्ड है जो हमें दिखा रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको आकर सॉरी तो करेंगे ही, उन्होंने जो दूरियाँ बनाई हैं, और यहाँ पर वो बैलेंस लेकर आएंगे, रिश्ते की फिर से शुरुआत करेंगे। भाई, कमिटमेंट लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपकी लाइफ में कोई खूबसूरत सा पर्सन आने वाला है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, या तो वो नया पर्सन हो सकता है, या जिस पर्सन का आप अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वेट करें, जिसके साथ आप रीयूनियन करना चाहते हैं। खासतौर पर उस पार्टनर की एनर्जीज हैं, उसे आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहता है। वो जो भी पर्सन है जिसका भी आप वेट करें, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी एनर्जीज ये हैं आपको लेकर। द डेविल, डेविल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते पे हावी थी, इसीलिए डेविल एनर्जी से निकलने के लिए आपके पार्टनर अपने आप को शांत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो उनका कोई क्लोज है जो पर्सन भी डेविल एनर्जी में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आपके पार्टनर को। उस रिश्ते को पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे थे, दिल में से बड़े वो उदास थे, लेकिन अंदर से वो आपको याद कर रहे थे। दिखावे के लिए उस रिश्ते में थे, लेकिन उस रिश्ते से निकल कर अब वो आपके पास आना चाहते हैं। यहीं पर हम कुछ कार्ड से एनर्जी भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की। ओके, ओके, पॉपअप हुआ ये कार्ड। ओ माय गॉड, मैंने कहा कि उनके कोई नज़दीक है जो भी पर्सन, हाँ जी, वो कोई जो भी पर्सन है वो आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, उसने अपनी असलियत दिखाई, उसकी वजह से आपके पार्टनर में ज़रा यहाँ पे दिक्कत हुई है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, लेकिन उस पर्सन की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है, शायद इसलिए अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एनर्जी से निकल के डेफिनेटली वो आपको आकर रीयूनियन करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। तो वॉल की एनर्जी, वो भी दिल से अब चाहते हैं कि इस सफ़र की, ज़िंदगी की, इस रिश्ते की नए से शुरुआत हो। डोर टू रोमांस, यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, गॉड ने भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजने का फैसला कर लिया है। ऊपर वाले ने दरवाजे खोल दिए हैं आपके लिए प्यार के, जितना हो सके आप मैनिफेस्ट कीजिए और अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।